में उन्होंने बस इतने ही किया कि आज सिलेंडर का बढ़ा दो तो कल पेट्रोल का बढ़ा दो तो परसों डीजल का बढ़ा दो, रात भर में नोटबंदी कर दो, लोगों को लाइन में खड़ा कर दो, उनको भूखा मरवा दो। बस एक काम उन्होंने नहीं किया, वो क्या, जनता की जरूरतों को देख करके उसको राहत देने का काम। ना उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया, इतना वायदा करने के बाद। अभी यूपी में चुनाव की बात हुई, यूपी में उन्होंने कहा हमने कहीं कर्ज माफी नहीं की, लेकिन यूपी में हम करेंगे। बड़े खुश हो गए भैया यूपी वाले कि हमरे लिए बहुत कुछ सोचा है मोदी जी ने। धड़ाधड़ उनका वोट दें, और उसके बाद जब सरकार बन गई मोदी की तो उनको बढ़िया बढ़िया चेक मिला, एक तरफ मोदी की फोटो और एक तरफ योगी की फोटो, और बीच में 17 पैसे का चेक, 79 पैसे का चेक, 55 पैसे का चेक कि ये तुमको हम राहत दे रहे हैं, अब इसका लेके अचार डालो या इका लेके चाटो, जो तुम्हारे मन में आए करो, इसके अलावा तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। किसानों के लिए ये उन्होंने किया, इन्होंने कहा था हम बेरोजगारी दूर करेंगे, करोड़ों लड़कों को बढ़िया बढ़िया नौकरी देंगे, लड़कियों को भी देंगे, कंप्यूटर में नौकरी देंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, और अब पता चला कि जिसकी थोड़ी बहुत काम उसका चल रहा था उसका काम भी चौपट कर दिया। नोटबंदी करके, जीएसटी लगा करके, जो छोटे कारखाने थे, जो छोटे कारोबार थे, जो तमाम दुकानें थी उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, उनमें काम करने वाले करोड़ों लोगों को बिल्कुल सड़क पर ले आए और कहने लगे अच्छा अब तुम आ गए हो ना सड़क पर, अब ठेलिया लगाओ, पकौड़ा बेचो, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। एक उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया त्रिपुरा में, वो कहता पकौड़े से काम न चले तो पान बेच करके अपना काम चलाओ। तो ये पकौड़ा और पान तो हम लोग पहले भी बेचते थे, उसके लिए मोदी को लाने की जरूरत नहीं थी। अरे पकौड़ा और पान बेचना है तो तुम जाओ भैया, और हमको पकौड़ा और पान बेचते तो हमारी जान तो न लो जिस तरह से तुम जान ले रहे हो। आज कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के बारे में हम क्या करें, दुनिया में बढ़ता है, ठीक है दुनिया में बढ़ता है तुम बढ़ाओ, लेकिन जब दुनिया में घटता है तब तुम क्या करते हो, तब भी तुम बढ़ाया हुआ दाम हमसे लेते हो। ये जो पेट्रोल और डीजल का दाम हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में सबसे महंगा क्यों है, ये आपको पूछना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है आप समझिए, लोगों को समझाइए कि सुबह से शाम तक उनकी जेब काटी जा रही है, और जो हाल जेब कतरों का किया जाता है वही हाल ये भाजपा वालों का हमको मोहल्ले मोहल्ले में करना चाहिए। क्या कर रहे हैं ये, जब पेट्रोल का दाम विदेश में कम हुआ तो हमारे देश में कम नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकारें नहीं केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और इतनी एक्साइज ड्यूटी लगाती है ये नहीं बताती कि उस पैसे का ये करते क्या है। हजारों करोड़ रुपया इन्होंने हम लोगों की जेबों से निकाला है डीजल और पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके, लेकिन एक कानी कौड़ी का हिसाब भी नहीं दे रहे हैं कि ये पैसा गया कहाँ। अरे हमको राशन तुम देते नहीं हो, हम राशन लेने जाते तो कहते तुम्हारा अंगूठा बदल गया, हमको तुम सरकारी अस्पताल में दवा देते नहीं हो, सारे अस्पतालों को तुम प्राइवेट में डाल रहे हो, हमारे बच्चों को तुम शिक्षा देते नहीं हो, सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या तो बंद हो रहे हैं या वहाँ गुरुकुल खुल रहे हैं या उनको प्राइवेट में दिया जा रहा है, कहाँ पैसा लगा रहे हो। कुछ लोगों ने सोचा ये गौशाले बना रहे हैं शायद, तो पता चला कि राजस्थान में जो सबसे बड़ा गौशाला था जिसमें 5,000 से ज्यादा गाय थी उसको कल खोल दिया गया, सारी गाय को भगा दिया गया और कहा कि हमारे पास तो गौशाला के पास क्लियर चलाने का पैसा नहीं है। तो क्या करते हो, ना गाय को देखते हो, ना हमको देखते हो, ना गरीबों को देखते हो, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा जा रहा है बड़े बड़े लोगों की जेब में, पैसा जा रहा है मोदी जी की बढ़िया बढ़िया 10 लाख की सूट में, कहते मैं गरीब आदमी के बेटा हूँ। अरे भैया गरीब आदमी का बेटा हो तो 20 साल में 10 लाख का सूट खरीदने का पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास, इसका भी तो कुछ हिसाब दो। अब उनके हर कपड़े का दाम आ रहा है पेपरों में, कोई कह रहा है इसकी जैकेट इटली की है 50,000 रुपए की है, कोई कहता है इसका जूता पता नहीं कहाँ का है 2 लाख रुपए का है, कोई कहता है ये जो चश्मा बार बार बदलता है एक एक चश्मे का 50 50
50,000 का दाम है तो ये तो पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल के मद में जो हमारी लूट चल रही है, हमारी जेब कट रही है, उसका एक नए पैसे का हिसाब भी ये सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। हिसाब हमको मांगना होगा। किसानों की बात हुई, ये किसान के ऊपर ही भार नहीं पड़ता है। डीजल और पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ेगा तो किसके ऊपर इसका भार नहीं पड़ेगा? मजदूर पर पड़ेगा, किसान पर पड़ेगा। जो तमाम महिलाएं जाकर के सब्जी खरीदती है, सामान खरीदती है, वो भी किसी ट्रक पर लद कर के आता है। जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज का दाम बढ़ेगा और महंगाई असहनीय हो जाएगी। तो ये बातें हमको लोगों को समझाना है कि ऐसा नहीं कि बाहर बढ़ रहा है इसलिए यहाँ भी बढ़ रहा है। बाहर बढ़े या घटे, लेकिन हमारे यहाँ तो बढ़ना ही है। 9 बार पिछले 4 साल में इस मोदी सरकार ने एक्साइज को बढ़ाया है। 9 बार, 1-2 बार नहीं, 9 बार बढ़ा करके आज 80 रुपए डीजल, 80 रुपए पेट्रोल हमारे देश के अंदर बिक रहा है। कैसे लोग अपना जीवन चलाएंगे, कैसे लोग अपना काम चलाएंगे, इसका जवाब हमको नहीं मिलता। इसलिए आज हमको इस सरकार की असलियत समझनी चाहिए। जितने इन्होंने वादे किए थे सब खोखले, सब झूठे। आज इनके राज में केवल अत्याचार बढ़ रहा है और जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां वहां इनके लोग खुद बलात्कार कर रहे हैं, खुद बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और इनकी सरकारें उन अत्याचारी लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं, उनको जेल से छुड़ाने में जुटी हुई हैं। इनकी असलियत हमको समझना होगा। ये जनता के दुश्मनों की सरकार है। आप समझते हैं कि ये डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ रहा है इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है? सरकार जो कमा रही है सो कमा रही है। जो अंबानी है जो विदेश से कच्चा तेल मंगवाता है उसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि उसका पेट्रोल भी, उसका डीजल भी उसके पंप में उसी भाव में बिकता है जितना भारत सरकार का बिकता है, और वो खरीदता है बाहर सस्ते में, और जितना एक्साइज ड्यूटी सरकार कमाती है उससे ज्यादा मुनाफा ये अंबानी कमाता है। इसीलिए आप देखते हो इनकी फोटो कितनी बढ़िया बढ़िया छपती है, कितनी बढ़िया बढ़िया फोटो छपती है। भैया और भाभी के साथ तीनों लोग बैठ करके खूब मौज काटते हैं और यही सोचते हैं आज कितना लूटा तुमने, तो वो कहता पहले तुम बताओ फिर हम बताएंगे। यही इनकी बातचीत चलती है और हम इन लोगों की शक्ल देख करके सोचते हैं भैया आप क्या करें, अब हम तो फंस गए। फंस तो गए लेकिन कुछ ही दिनों के लिए और फंसे हैं। इसके बाद हमको इस जंजाल से निकलना है, उसकी भी तैयारी करनी है, लेकिन अभी उसकी तैयारी करने के लिए जनता को इनकी डकैतियों का पूरा का पूरा ब्यौरा देना होगा। कैसे कैसे ये हमारी जेब काट रहे हैं, हमारा पेट काट रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, इसका पूरा ब्यौरा, इसका पूरा काला चिट्ठा जनता के सामने हमको साफ करके रखना होगा। उनको समझाना होगा कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ, इतना बड़ा धोखा जो शायद आज तक नहीं हुआ, इतना बड़ा धोखा हुआ है। और ये डीजल और पेट्रोल का जो मामला है ये इस धोखे का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसकी जानकारी जनता को देनी जरूरी है। इतना कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, आप सबका धन्यवाद देती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चोर डकैतों की सरकार, चोर डकैतों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।